हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनाथ और आप देख रहे हो जी रॉयल वर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लेंडर प्लस के जो हैंडल के बेयरिंग है उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूं, देन बाद में इसको करते हैं हम सॉल्व। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पास स्प्लेंडर प्लस और यहीं पर आपको दिखा दूँ पहले तो ये जो हैंडल है वो पूरा जाम हो चुका है। दो तीन बार इसके जो हैंडल की डग है, अभी आप देख सकते हो हैंडल पूरा फ्री होना चाहिए, अभी यहीं से पूरा जाम है। तो दोस्तों, सभी बाइक में हैंडल में दो बेयरिंग आता है, एक यहीं पे रहता है और एक यहीं पे रहता है। तो जब नए बेयरिंग रहते हैं तब इसमें यहीं से थोड़ी सी प्ले हो रह जाती है, तब यहीं से इसको टाइट भी कर सकते हैं और जो नॉर्मल डग रहती है उसको मिटा सकते हैं। बट जब भी ज़्यादा डग रह जाती है तब हैंडल पूरा जाम होने लगता है, तब इसका जो बेयरिंग है इसको चेंज करना पड़ता है। इसके जो छोटे छोटे छरे रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको हम अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। पहले तो ये आगे का व्हील जो है इसको ओपन करते हैं, देन बाद में पूरा हैंडल को ओपन करते हैं, यही के भाई इसको टी बोलते हैं, ये पूरा ओपन करना है, देन बाद में जो बेयरिंग रहता है ऊपर नीचे दो इसको चेंज करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अभी अब जब हैंडल हिलाते हैं तब पूरा जोर लगा के हिलाना पड़ता है। फाइनली हम बेयरिंग चेंज करेंगे तब क्या होगा आप देखिए। जो अंदर का बेयरिंग है वो पूरा जाम हो गया है, अभी इसको ओपन करते हैं, देन बाद में यहीं पे एक बेयरिंग रहेगा और यहीं पे एक नीचे को एक बेयरिंग रहेगा, उसको निकालते हैं बाहर को। तो हमने फाइनली बेयरिंग जो है इसको निकाल दिया है यहीं पे, आपको दिखा दूँ कुछ इस टाइप के छरे बोलते हैं इसको, इस टाइप के कुछ रहते हैं। इसमें हैंडल में दो बेयरिंग आता है, यहीं पे एक रहता है नीचे को और यहीं पे एक ऊपर को रहता है। ऊपर की जो कोन है वो ये रही, इस टाइप की कोन ही आती है, स्टेयरिंग कोन इसको बोलते हैं। इसमें क्या करना है, जो पुरानी कोन है इसको निकाल देनी है और जो नई कोन है इसको इंस्टॉल करते हैं। बेयरिंग है इसको ऐसे ही एक्सल की मदद से निकाल देना है, ऐसे ही दोनों साइड से जो इस टाइप की बेयरिंग कोन है वो निकल जाएगी ऐसे ही, और जो नीचे वाली है वो इस टाइप से दोनों साइड से। तो गाइज, नीचे भी इस टाइप की कुछ कोन रहती है वो भी ऐसे ही निकल जाएगी। तो गाइज, इस टाइप से कुछ चेसिस रहती है हमारी और यहीं पे दोनों कोन लगती है ऊपर नीचे को। इसमें यहीं पे भी एक बेयरिंग रहती है, इसको भी निकालनी है हमें। और ये रहा हमारे पास नया बेयरिंग, इसको करना है इंस्टॉल, इसके जो सरे है वो। तो गाइज, फाइनली इसमें जो नया बेयरिंग है इसको करते हैं इंस्टॉल और बाद में हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And तो गाइज, इस टाइप से कुछ बेयरिंग के जो छरे हैं इसको लगा देना है। जो नॉर्मल बेयरिंग रहता है वो पूरा पैक रहता है, जब व्हील का बेयरिंग आता है इसमें क्या होता है, जो छरे है उसको अलग से लगाना पड़ता है। इसमें भी जो बेयरिंग के कॉलर है वो पूरी बेयरिंग भी आता है इसमें, वो भी आप लगा सकते हो, पर मैंने अभी ये वाला इंस्टॉल किया है। तो फाइनली ऊपर नीचे इस टाइप से बेयरिंग के जो छरे इसको लगा देना है और करते हैं इसको इंस्टॉल ऐसे ही नॉर्मली लगा देना है ऐसे ही। और जो बाद में जो ऊपर की कॉलर है वो लगेगी पहले यहीं पे इस टाइप से कुछ, और बाद में जो नॉट है वो लगेगी।
फाइनली हमने जो हैंडल के बेरिंग है इसको इंस्टॉल कर दिया है। अभी आप देख सकते हो यहीं पे पूरा हैंडल जो है वो फ्री हो चुका है गाइज, आप देख सकते हो यहीं पे। तो जैसे ही हमने ये वाइजर वगैरह और व्हील को ओपन किया था वैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं और देन बाद में आपको दिखाते हैं। तो गाइज फाइनली हमने जो हैंडल का बेरिंग जो है वो इंस्टॉल कर दिया है एंड स्टेयरिंग कॉन्सेट को। अभी आपको दिखाते हैं हैंडल कितना फ्री होना चाहिए। तो गाइज अभी हम यहीं से छोड़ते हैं, ये रहा। तो गाइज फाइनली हमारा जो हैंडल है वो पूरा फ्री हो चुका है यहीं पे, आप देख सकते हो पूरा दोनों साइड लेफ्ट राइट। गाइज फाइनली आपने देखा जैसे कि हमारी बाइक का हैंडल जो है वो अच्छी तरह वर्क कर रहा है, अच्छे से टर्न ले रहा है। सो गाइज हमने अभी तो बेरिंग बिना बेरिंग के स्टेयरिंग कोन सेट को इंस्टॉल किया है। अगर आप चाहते हैं तो बेरिंग वाली भी स्टेयरिंग कोन आती है, वो भी यहीं पे आप वीडियो देख लो इस टाइप की कुछ, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। की बाइक के हैंडल में भी कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है, हैंडल जाम चल रहा है या तो फिर हैंडल में से कुछ जिप्सम हो ही जा रहा है या तो फिर टर्न लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये जो स्टेयरिंग कौन सेट है हमारी बाइक की उसको चेंज कर लो या तो फिर सेट कर लो। सभी बाइक में इसी तरह की सिस्टम रहती है, ऊपर को एक बेरिंग रहता है और नीचे को एक बेरिंग रहता है। हमने आगे भी वीडियो डाल रखा है पल्सर 220 के बारे में, उसका भी हमने स्टेयरिंग कौन सेट चेंज किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहीं पे लास्ट में उसकी लिंक दे दूंगा, वहीं से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ऐसा ही था कुछ आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल पे ऐसा नया नया वीडियो बाइक के रिलेटेड आता ही रहता है, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद में जो बेल का आइकन आता है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो गए दोस्तों, बाय बाय।